नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के तमाम गणमान्य एवं पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि हम 2024 चुनाव में कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में जिस बूथ पर हम कमजोर हैं उसे मजबूत करने के उद्देश्य से हम जिम्मेदारियों को तय करेंगे। साथ ही संगठन के 40% बदलाव, जिसमें युवाओं को तवज्जो देने की बात कही गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं कार्यक्रम में आए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हो रही है, जिस बैठक में प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारी इसमें शिरकत किए हैं। 2024 को लेकर आज भूपेंद्र सिंह चौधरी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि आज बैठक के अंदर में अलग अलग पदाधिकारी मौजूद हैं, किन विषयों पर चर्चा की जा रही है और क्या तैयारी है 24 को लेकर? नहीं, देखिए, विभिन्न जो आगामी योजना है, संगठन को कैसे काम करना है और क्या मूल मंत्र है जिसके आधार पर कार्यकर्ता आने वाला नगर निकाय चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जिसको जीतेगा वो मूल मंत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री ने देने काम किया है। और निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन के आधार पर और जो हमारी योजना तय होगी, हम लोग ये चुनाव जीतने काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, युवा चेहरे के तौर पर आपको एक अलग पहचान है प्रदेश में, कैसे साधेंगे 2024 में कहा जा रहा है कि जो 40% पद है वो युवाओं को दी जाएगी, कैसे साधेंगे युवाओं को? नहीं, निश्चित तौर पर जैसी भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, जो पारदर्शी तरीके से नौकरी देने काम किया, जो पुराने समय में नौकरी एक जाति विशेष या परिवार विशेष के लोग पैसा देकर बांटने काम करते थे, उस परंपरा को तोड़ने का हमारी सरकार ने किया है। पारदर्शी तरीके से नौकरी, हर क्षेत्र के लोगों को नौकरी और घर पर आकर नौकरी, किसी को एक पैसा रिश्वत नहीं देना पड़ा, तो नौजवान उत्साहित है। और जिस प्रकार का निवेश, जिस प्रकार की योजना, जिस प्रकार का व्यापार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है और निश्चित तौर पर हमारे साथ रहेगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही है युवा का साथ इस बार हमारे साथ है और 2014 जो 2019 में कहीं ना कहीं देखा गया कि युवा बीजेपी की सरकार लाई, आप क्या सोचते हैं 24 को लेकर? देखिए, 14 से लेकर चाहे 19 हो, चाहे 17 हो, चाहे 22 हो, आने वाले समय में भी नौजवान पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 सरकार बनाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात कर। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु दत्त थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2019 और 14 की तरह 2024 में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभाग सु, प्राइम टीवी लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में बात करें तो प्रदेश के हर उच्च पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश मौजूद हैं। दानिश जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज की बैठक में किन विषयों पर चर्चा होगी और किस क्या रणनीति के तहत आप लोग आगे की तैयारी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज की सेवा के भाव से निरंतर काम करता है। आज इस प्रदेश कार्य समिति बैठक की जो लखनऊ में आयोजित हो रही है, लक्ष्य यह है कि किस तरीके से हम सजगता से अपने संगठन के माध्यम से सरकार के माध्यम से समाज की सेवा करें। आज भाजपा सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है और इसी तरीके से हमें समाज की सेवा करनी है, इसी लक्ष्य के बारे में आज विस्तृत चर्चा है। धन्यवाद। राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा गया कि हर वर्ग को जोड़ा जाएगा, बात करें तो पसमंदा मुसलमान को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कितना प्रभाव दिखेगा? निश्चित तौर पे आज मोदी सरकार और योगी सरकार के कल्याणकारी नीतियों से अल्पसंख्यक समाज, पसमंदा समाज विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और हम पूरी तत्परता से समाज के कोई भी जाति, धर्म, मजहब के लोग हो, उनके तरक्की उत्थान के लिए काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारी यात्रा से युवा हमारे तो पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आज भाजपा का साथ युवाओं के साथ दोनों एकजुट है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विफल है। शुक्रिया। तो हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता का विश्वास हमारी पार्टी के साथ है। कैमरामैन सुधीर के साथ विभाग सु, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।